नमस्ते, टेली ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीवी सीरियल वो तो है अलबेला, जहां हर दिन नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। कहीं काना और सयूरी का रोमांस दिखने मिल रहे, या कहीं सरोज और नकुल के बीच अनबन। तो इन दिनों घर में कुछ हुआ यूं, नवरात्रि का महाउत्सव मनाया जा रहा है। तो घर पर काना के सयूरी के सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। तभी सरोज की एक स्कूल फ्रेंड जो इनवाइटेड होती है पूजा में, तो सरोज के फ्रेंड्स घर पर आते हैं और काना की बहन कुसुम के रिश्ते की बात करते हैं। तो काना थोड़ा नाराज़ हो जाता है क्योंकि काना को वो लड़का पसंद नहीं होता है। तो काना कहता है, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। तब काना की दादी ने काना को समझाया, नहीं, वो अच्छा लड़का है, हम उसको जानते हैं। काना अपनी ज़िद पे अड़ा रहा कि नहीं, मुझे वो नहीं पसंद, कुछ तो गड़बड़ है। तब घर में बहुत सारी बहस शुरू हो जाती है, हाँ ना, हाँ और ना में। तो सरोज कहती है, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो मेरी फ्रेंड का लड़का है, तो मुझे पता है। तब काना सयूरी से बात करता है कि मुझे नहीं पसंद ये लड़का, कुछ तो गड़बड़ है। सयूरी भी उसका साथ देती है। फिर सयूरी ने कहा, हम इस बारे में बात करेंगे। तब काना उनके हाथ से दिए की थाली लेके बाहर रखने चला जाता है। तभी काना देखता है कि वो लड़का किसी से ज़ोर ज़ोर से बात करा हुआ था गुस्से में। काना को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। वो बोले तो बोले कैसे, कोई सुनने को तैयार नहीं उसकी बातें। पर जैसे तैसे वो घर में आता है और सबको समझाने की कोशिश करता है और अपनी बहन के बोलता है, तुम उसी से बात कर रही थी, कुसुम से? कुसुम ने बोला नहीं। तब घर में सारे काना को चिल्लाने लगते हैं, मगर सयूरी काना का साथ देती है। इन्हीं बीच अनबन शुरू हो जाती है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है, हम रिवील नहीं करेंगे, आपको सीरियल देखना होगा, पर जितना हुआ हम आपको बताएंगे। फिर नतीजे पे ये पहुँचते हैं कि हम आपको सबूत लाके देंगे। काना ने ये कहा कि मैं आपको प्रूफ लाके दूंगा कि ये लड़का गलत है, मैंने अभी उसे गाड़ी में किसी से गुस्से में बात करते हुए देखी, जो घर भर बहुत ही शांत था, सबके पैर छू रहा था, मगर घर से बाहर निकलते ही उसने अपना रूप दिखाया। वो अपनी बहन को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था कि कहीं कोई गलत हाथों में उसकी बहन ना चली जाए। तो काना कंफ्यूज हो गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या, घर वाले बात सुन नहीं रहे, सरोज उसकी माँ होके भी उसकी बात नहीं सुन रही। बट काना का हेल्प एंड हैंड और उसका सपोर्ट, सयूरी उसके साथ थी। सयूरी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ मिलकर इस सच्चाई का पता लगाएंगे। तो कैसी लगी हमारी न्यूज़ आपको, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और टेली ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच।